हेलो सेकंड क्लास, दिस इज योर मॉरल साइंस। एंड एज यू कैन सी, दिस इज योर मॉरल साइंस बुक। ओपन इट ऑल ऑफ यू। नाउ दिस इज योर लेसन नंबर 8, द डोंकीज ब्रेन। ठीक है, कि डोंकी का जो दिमाग है उसके बारे में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो क्या स्टोरी है हमारी? वंस अ लॉयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। में एक लॉयन रहता था और ही हैड अ जैकल एज हिज पार्टनर। था उसका कौन था? वो जैकल था। दे ऑलवेज वेंट टुगेदर। वो हमेशा क्या करते थे? एक साथ शिकार के लिए जाते थे। तो एक दिन लॉयन ने क्या किया? एनिमल्स को यूज टू किल द एनिमल्स एंड द जैकल गॉट हिज शेयर फॉर हेल्पिंग द लॉयन। और वो क्या करता था? लॉयन एनिमल्स को मारता था और वो शेयर करता था किससे? के साथ? जैकल के साथ, उसको हेल्प करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ? द लॉयन फेल सिक। लॉयन बीमार पड़ गया। ही कुड नॉट गो आउट। अब वो बाहर शिकार के लिए नहीं जा पा रहा था और उसको बहुत भूख लगी थी। और उसने जैकल को बुलाया और क्या बोला उसको? डियर फ्रेंड आई एम हंग्री। कि मुझे बहुत भूख लगी है, जैकल को बोला उसने, लेकिन मैं इतना बीमार हूँ कि मैं बाहर शिकार के लिए नहीं जा सकता। यू हैव टू हेल्प मी टू गेट सम फूड। अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी मुझे थोड़ा सा खाना देने में, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। द जैकल वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ प्रे। अब वहाँ जैकल जो था वो गया कहाँ पर? प्रे के लिए। प्रे यानी किसको? मुझे खाना बनाना है, उसको ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकल गया। अब उसने रास्ते में डोंकी को देखा। ही सेड टू द डोंकी। डोंकी को उसने बोला, हेलो डोंकी सर, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मिनिस्टर। कि हमारे जंगल के राजा जो हैं शेर, आपको अपना मंत्री बनाना चाहते हैं। किसको बोला? डोंकी को, पागल बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए। और जो फूलिश डोंकी था वो बड़ा खुश हो गया कि अच्छा, मेरे लिए इतना बढ़िया ऑफर आया है। और वो चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे जैकल के पीछे पीछे चल पड़ा। द लॉयन किल्ड द डोंकी को उसने, लॉयन ने वहां पे वो ले गए उसको। और देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, लॉयन ने जैकल को मार दिया। बट बिफोर ईटिंग ही फेल्ट सो थर्स्टी, ही सेड टू द जैकल, टेक केयर ऑफ द डंकी, आई विल रिटर्न इन नो टाइम। कि मैं इस डंकी को खाने से पहले कुछ पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। और जैकल को बोलता है लॉयन कि तुम यहाँ इसका ध्यान रखना, मैं अभी चुटकियों में गया और चुटकियों में मैं वापस आता हूँ। एज सून एज द लॉयन लेफ्ट, द जैकल स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेन ऑफ द डंकी। और जैसे ही शेर वहां से गया, जैकल ने डंकी का ब्रेन खाना शुरू कर दिया। व्हेन द लॉयन रिटर्न, अब जब शेर वहां से वापस आया पानी पीकर, ही फाउंड कि डंकी का ब्रेन तो है ही नहीं। वो हैरान हो गया देख के शेर। तो ही आस्क्ड द जैकल, अब उसने जैकल से पूछा कि वेयर इज द डोंकीज ब्रेन, कि उसका ब्रेन कहाँ गया डोंकी का। तो जैकल ने क्या आंसर दिया? नर्वसली, टिमिडली का मीनिंग क्या होता है? नर्वसली थोड़ा घबरा गया कि इफ ही हैड अ ब्रेन वुड ही हैव कम हेयर। कि क्या उसके पास दिमाग था? नहीं था। अगर उसके पास दिमाग होता तो वो ये बात सुन के यहाँ वापस थोड़ी, यहाँ थोड़ी ना आता कि आप उसको मिनिस्टर बना दोगे क्या। तो उसके अंदर तो दिमाग था ही नहीं। मैंने कैसे खाया? मैंने तो खाया ही नहीं दिमाग। तो देखो कितनी वेरी नाइस स्टोरी इज दिस। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अ स्मॉल थॉट सेव्स अ लॉट। एक छोटी सी सोच भी बहुत कुछ बचा सकती है। अगर ये सोच लेता कि हाँ हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो वो अपनी जान बचा सकता था। ओके, नाउ यू हैव दीज वर्ड मीनिंग्स। नीचे आपको वर्ड वाइज में या आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे एंड यू हैव टू कम्प्लीट योर बुक वर्क ऑल। ये आपका एक्सरसाइज वर्क है एंड यहाँ से आप अपना सारा वर्क फिनिश करेंगे। एंड योर पेज नंबर 36 आपका एक्टिविटी कॉर्नर है, वहाँ से आप अपनी एक्टिविटी कॉर्नर का जो पेज नंबर है आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास।